कई दिन पहले एक गांव में दो बिल्लियां रहती थी। जानते हैं उनका नाम क्या था? लालू और कालू। वे दोनों बड़े अच्छे दोस्त थे। भूख लगी है दोस्त। मुझे भी भूख लगी है। चलो खाने के लिए कुछ ढूंढते हैं। चलो। ये रोटी मेरी है। नहीं, ये मेरी है। अरे ठहरो, ये रोटी मैंने देखी इसलिए ये मेरी है। नहीं, ये मुझे मिला। ये रोटी मेरी है। मेरी है। ये मेरी है। नहीं, मेरी है। मैं इसे तुम दोनों में बराबर बांटता हूँ। ये टुकड़ा बड़ा है। अरे अब ये टुकड़ा बड़ा है। बिल्लियां हैरान होकर देखती रह गईं। एक जंगल में एक खरगोश और कछुआ रहते थे। खरगोश को बड़ा घमंड था कि वो तेज दौड़ सकता है। वो कछुए की धीमी चाल को देखकर खिल्ली उड़ाता था। ऐसे में एक दिन, क्यों कछुआ काका, क्या तुम मेरे साथ दौड़ लगाओगे? क्यों नहीं, हम दोनों में जो जीतेगा
उसे बढ़िया इनाम मिलेगा। ऐसा ही सही। अब इस दौड़ को देखने के लिए जंगल के सारे जानवर बड़ी उत्सुकता के साथ वहाँ पहुँचे। हम दोनों में से जो पहले उस दूर वाले पहाड़ी पर पहुँचेगा, समझो वो जीता। ठीक है। दौड़ शुरू हुई। खरगोश तेज दौड़ने लगा, कछुआ धीरे धीरे चलने लगा। खरगोश और तेज दौड़ने लगा, कछुआ वही धीरे धीरे चलने लगा। अब इस तरह थोड़ी दूर जाने के बाद खरगोश पीछे मुड़कर देखा, उसे कछुआ कहीं दिखाई नहीं दिया। कछुआ अभी नहीं आने वाला, चलो थोड़ी देर आराम कर लें। अब ऐसे आराम करते करते खरगोश की आंख लग गई। कछुआ धीरे धीरे खरगोश के पास पहुंचा और चुपचाप उसे पार कर चला गया। पहुंचकर उसने कछुए को देखा और कहा, दोस्त तुम ही जीते, मुझे माफ करो। इससे हमें पता चलता है कि गर्व का सर हमेशा नीचा होता है। एक जंगल में एक शेर और चूहा रहते थे। एक दिन दोपहर को नटखट चूहा खेलता फुदकता सोते हुए शेर पर जा गिरता है। शेर महाराज क्षमा करो, गलती हो गई, क्षमा करो। तूने मेरी नींद खराब की है, मैं तुझे खा जाऊंगा। नाना मुझे मत खाना, मुझे खाने से आपकी भूख नहीं मिटेगी। मुझे यदि आप छोड़ दोगे तो किसी दिन मैं आपके काम आऊंगा। तू इतना छोटा है, भला तू क्या मेरी मदद करेगा, जा। शेर एक दिन जंगल में टहलता हुआ एक शिकारी के जाल में फंस जाता है। बचाओ बचाओ। चूहा शेर की आवाज सुनकर आता है और जाल को अपने दांतों से कुतर कुतर शेर को छुड़ा देता है। अब इस कहानी से हमें सीखने को क्या मिला बच्चों? यही कि किसी को भी कम नहीं समझना चाहिए। ये बहुत पहले की बात है। एक जंगल में सारे जानवर मिलजुल कर
और आजाद रहते थे। ऐसे में उस जंगल में एक बूढ़ा शेर आया। वो सब जानवरों को अपनी मर्जी से मारकर खाने लगा। इससे परेशान होकर सब जानवरों ने एक निर्णय लिया और शेर से मिलने गए। इस जंगल के हम जानवरों ने एक निर्णय लिया है। कैसा निर्णय? हम में से हर रोज एक जानवर आपका भोजन बनकर आएगा। नहीं, मैं क्यों तुम्हारी बात मानूं? ऐसे ही चलता रहा तो थोड़े ही दिनों में हम सब मर जाएंगे। फिर आपको खाना नहीं मिलेगा ना? आप भी बूढ़े हो गए, शिकार नहीं कर सकते। सारे जानवरों की फरियाद सुनकर शेर ने कहा, ठीक है। अब बच्चों हर रोज एक जानवर शेर का भोजन बनकर जाने लगा। एक दिन खरगोश की बारी आई। खरगोश नियमित समय पर न जाकर जानबूझकर देर करने लगा। हाँ, इतनी देर क्यों? तुम्हें खाने से अब भूख भी नहीं मरेगी। मेरे साथ एक और जानवर भी आया, लेकिन उसे रास्ते में एक और शेर ने खा डाला। इस जंगल में मुझसे ज्यादा बलवान शेर और है क्या? मुझे दिखाओ। आइए महाराज। खरगोश उस शेर को एक कुएं के पास ले गया। महाराज, वो शेर इस कुएं के अंदर छिपा है। शेर उस कुएं में झांका, वहां उसे अपना ही प्रतिबिंब दिखाई दिया। उसे दूसरा शेर समझकर उसे मारने के लिए कुएं में कूद पड़ा। कुएं से बाहर निकल नहीं पाया और बेचारा मर गया। जो इस तरह खरगोश ने अपनी चतुराई से उस शेर से जंगल के सभी जानवरों को छुटकारा दिलाया। सभी जानवरों ने खरगोश की तारीफ की और सारे जानवर खुशी खुशी फिर से जीने लगे। बहुत पहले सरयू नदी के तट पर एक जामुन का पेड़ हुआ करता था। अंजी नाम का एक बंदर उस पेड़ पर लगे जामुन खाता और आराम से रहता था। उसी नदी में अंजी का दोस्त मकर नाम का मगर भी अपने परिवार के साथ रहता था। अंजी अपने दोस्त को भी हर रोज जामुन खिलाता था। ऐसे में एक दिन हर रोज केवल हम दोनों ही खाते हैं, आज कुछ जामुन भाभी के लिए भी ले जाओ। ठीक है दोस्त। कहां से लाए? मेरे दोस्त अंजी और मैं
हर रोज इसे खाते हैं। आज तुम्हारे लिए लाया हूँ। वाह, अगर ये जामुन इतने मीठे हैं, तो उस बंदर का जिगर कितना मीठा होगा जो इसे खाता है। ये सोचकर एक दिन मकर की बीवी रोते हुए अपने पति से कहती है, मैं बीमार हूँ। वैद्य ने कहा है कि बंदर का जिगर खाना ही इस बीमारी का इलाज है। आप तुरंत अपने दोस्त अंजी का जिगर ले आओ। अंजी मेरा प्रिय दोस्त है, मैं उसका जिगर नहीं ला सकता। आप मुझे प्यार नहीं करते, इसलिए आप नहीं लाना चाहते। मत रो, उसे कुछ ना कुछ कह कर ले आता हूँ। दोस्त, आज तुम्हें मेरे साथ मेरे घर दावत पर आना होगा। मुझे तैरना नहीं आता, कैसे आऊं? तो क्या हुआ, अपनी पीठ पर तुम्हें बिठाकर ध्यान से ले जाऊंगा। ठीक है, फिर आता हूँ। चलो 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 चलो। माफ करना दोस्त, तुम्हारी भाभी बहुत बीमार है। वैद्यों ने कहा है कि बंदर का जिगर ही इसका इलाज है। ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने अपना जिगर पेड़ पर रखा है ताकि वो गीला ना हो जाए। चलो वापस लौटकर ले आते हैं। ठीक है, वापस लौटते हैं। मैं नहीं जानता था कि तुम ऐसे धोखेबाज हो। दोबारा ऐसी गलती मत करना। बहुत साल पहले बच्चों, समंदर के किनारे एक गांव था। वहां एक कौवे का झुंड रहता था। वे आपस में ये शर्त लगाते कि कौन सबसे ज्यादा तेज उड़ सकता है या कौन सबसे ज्यादा दूर उड़ सकता है वगैरह। उन सभी शर्तों में एक कौवा हमेशा जीतता रहता। वो केवल जोशीला ही नहीं बल्कि कई कर्तव्य भी करता था। वो बड़े घमंड से कहता था, कौवों में ही नहीं पक्षियों में भी मैं ही सबसे तेज हूं। अब एक दिन हंसों की टोली उड़ते हुए वहां आराम करने उतरी। चाहिए।
हम इस देश से दूसरे देश जा रहे हैं। गर्मियों के बाद लौट आएंगे। क्या मुझसे भी दूर उड़ सकते हो? तुम्हारा हमसे क्या मुकाबला? हम कई देश घूमते रहते हैं। तो मुझसे मुकाबला करोगे? भला तुम्हारा मेरा क्या मुकाबला? तुम और कौओं से मुकाबला करो। तुम्हें डर है कि तुम हार जाओगे, इसीलिए ऐसे बोलते हो। ठीक है। मुकाबला शुरू हुआ। कौआ अपनी कर्तव्य दिखाने लगा। हंस बड़े आराम से उड़ रहा था। थोड़ी देर बाद कौवा थक गया और कर्तव्य बंद कर आराम से उड़ने लगा। वैसे उड़ते उड़ते समंदर में दूर उड़ गया। बहुत थक गया हूँ, यहाँ आराम करने के लिए कोई तट भी नहीं है। अरे सिर चकरा रहा है, बचाओ बचाओ। अब बताओ बच्चों, इससे तुम्हें क्या सीखने को मिला? घमंडी का सर हमेशा नीचा होता है। एक गांव में एक किसान रहता था। वो बतख पालता था। एक दिन एक बतख सोने का अंडा देती है। सोने का अंडा, इससे मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। अब बतख हर दिन एक सोने का अंडा देती। किसान धीरे धीरे धनवान हो गया। ऐसे में एक दिन, क्यों जी, बतख के पेट में बहुत सारे सोने के अंडे होंगे, क्यों ना सभी एक साथ निकाल लें? हम फिर बहुत अमीर बन जाएंगे। ऐसा ही करते हैं। किसान बतख का पेट काट देता है। सिवा खून और अतड़ी के कुछ नहीं मिला। तो हमें इस कहानी से क्या सीखने को मिला बच्चों? लालच बुरी बला है।